मॉर्निंग डियर, जैसा कि आप लोगों का जो फरमाइश है, फरमाइश यह है कि बुक भी पढ़ाइए सर। मैंने तो टेंस स्टार्ट किया था मेरे बच्चे, और मैंने सोचा था कि टेंस को डिटेल से पढ़ाऊंगा, समय लगेगा मेरे बच्चे, परंतु बहुत बेहतर पढ़ाने की इच्छा थी। चलिए टेंस अगला वीडियो में भी दिया जाएगा, दोनों मिलाकर वीडियो बनाएंगे, ट्रांसलेशन, ग्रामर प्लस लिटरेचर, ये सभी चीज़ों पर एक एक करके धीरे धीरे वीडियो बनेगा मेरे बच्चे, मैं बनाऊंगा। तो आज मैं आपके समक्ष रेनबो पार्ट टू है ना, रेनबो पार्ट टू देख रहे हैं, पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक रेनबो पार्ट टू। इस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस किताब के रचयिता है महात्मा गांधी। मेरे बच्चे, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, परंतु इनके बहुत सारे अनमोल वचन ऐसे हैं, लोग जानते हैं पर उसे फॉलो नहीं करते हैं। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमें फॉलो करने का चीज़ है मेरे बच्चे। अगर ये सॉरी ऐसे है यह, तो अगर ये ऐसे आपको समझ में आ गया तो इसे फॉलो कीजिएगा अपने जीवन में भी, क्योंकि साहित्य जीवन में उतारने की चीज़ है। साहित्य कहानी नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने की एक चीज़ है। महात्मा गांधी के बहुत अनमोल वचनों में से आज भी मुझे कुछ अनमोल वचन याद है। इन्होंने कहा था कि आँख के बदले आँख, अगर आँख के बदले आँख का नियम ब्रह्मांड या विश्व में चलता रहा तो पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल सत्य है। इन्होंने सत्य और अहिंसा का जो पाठ पूरे विश्व में पढ़ाया वो अद्वितीय है। मेरे दोस्त, गांधी जी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको ले लेना चाहिए। किताबों में तो उतना डिटेल नहीं है, परंतु मैं कुछ अपनी जो निजी जानकारी प्राप्त किया हूँ मैं डिटेल से, मैं वो चाहता हूँ कुछ बता दूँ। मेरे बच्चे, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। इसके बाद उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, और इसी वजह से गांधी जी का फुल नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है मेरे बच्चे, गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने पुकारा था? जी हाँ, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा सबसे पहले पुकारा था मेरे बच्चे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियोन टॉलस्टॉय थे, लियोन टॉलस्टॉय, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के पिता का माता का नाम पुतलीबाई, एवं गांधी जी के 4 पुत्र थे, जैसे कि मणिलाल गांधी, हरिलाल गांधी, रामदास गांधी एवं देवदास गांधी। ये 4 पुत्र थे इनकी, उन्हें गांधी जी की एक भी पुत्री नहीं थी मेरे बच्चे। गांधी जी के बारे में पढ़ने के बाद अभी मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि किताबी ज्ञान दूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। देखिए मेरे बच्चे, आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आता है, 1 नंबर कन्फर्म है मेरे बच्चे। समरी भी कन्फर्म है, क्वेश्चन आंसर भी एगो कन्फर्म है, और एक्सप्लेनेशन भी एक कन्फर्म है मेरे बच्चे। तो एक एक कर कर के अगर हम पूरी लाइन ऑब्जेक्टिव समझते हुए
मीनिंग को समझते हुए कहानी स्टोरी को ध्यान देते हुए पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ से मैं सबसे पहले गांधी जी के बारे में ऑब्जेक्टिव जो इसमें है किताब में दिया गया है आपके पास, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर अपने हाथ में रखिए और एक एक लाइन पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ आप एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ क्या पढ़ रहा हूँ इसका मीनिंग क्या होगा मैं सब बताते जाऊँगा। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक ऐसे लिखा है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है, तो यह आप कह सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। आगे है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1938 में, 48 है ना। ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज बापू, ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, इसका हिंदी हुआ वे यानी महात्मा गांधी लोकप्रियता प्राप्त किए बापू के रूप में जाने जाते हैं, बापू के रूप में भी अथवा राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला है वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी एक राजनेता से बढ़िया अच्छा एक दैविक नेता थे, यानी हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे ना राजनेता से बढ़िया से अच्छा एक दैविक नेता थे, यानी एक दैविक नेता मतलब ईश्वरीय नेतृत्व करने वाला, प्रभु के देव कहते थे, देव और संत भी कहा जाता था उन्हें मेरे बच्चे, इसीलिए एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप से प्रसिद्ध हुए, इसी वजह से इन्हें संत कहा गया, संत भी कहा गया है मेरे बच्चे। आगे है ही सक्सेसफुल्ली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, वे सफलतापूर्वक प्रयोग किए, ही का मतलब यहाँ वे बोलेंगे रिस्पेक्ट से है ना, सक्सेसफुल्ली मतलब सफलतापूर्वक, यूज्ड यूज्ड मतलब होता है प्रयोग करना है ना, ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, यानी वे सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा प्रयोग किए रूप में, एज मतलब होता है तौर पर या रूप में जैसा, तो कहता है द चीफ वेपन यानी मुख्य हथियार के तौर पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ, द ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेज के खिलाफ भारत में वे सत्य और अहिंसा का पाठ अगेंस्ट है ना किए एवं भारत को आजादी दिलाने में मदद किए। आगे है From 1915 till 1948, कहता है 1915 से 1948 तक, यानी 1915 में शुरू किए थे पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में जो डूब गए थे तो 1915 में इंडियन पॉलिटिक्स में आए थे और 1948 में उन्हें मार दिया गया, तो कहते हैं मतलब 1915 से लेकर 1948 तक वे कंप्लीटली, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, वे पूर्ण रूपेण डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, खुद को भारतीय राजनीतिक में खुद को पूरे तौर पूरे रूप से डोमिनेट कर लिए, यानी उसमें अपने आप को डुबो दिए, उसमें अपने आप को शामिल कर लिए भारतीय सभ्यता में भारतीय राजनीति में है ना। ही डाइड, उन्हें मार दिया गया, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, उन्हें मार दिया गया 30 जनवरी 1948 को है ना, 30 जनवरी ही उनका पुण्यतिथि है, आज भी 30 जनवरी को पुण्यतिथि कहा जाता है, 1948 को एक कट्टर व्यक्ति, आप जानते ही होंगे उस व्यक्ति का नाम नाथुराम गौडसे, तो एक कट्टर पंथी थे उनके हाथों से उन्हें मार दिया गया, वो बहुत दुर्दिन था 30 जनवरी 1948 को है ना। हिज ऑटोबायोग्राफी
उनके ऑटोबायोग्राफी में बताता आत्मकथा। देखो यहाँ दो वर्ड सीखने का है, ऑटोबायोग्राफी एवं बायोग्राफी। मेरे बच्चे ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में बहुत फर्क है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखे तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब कोई व्यक्ति के बारे में दूसरा कोई व्यक्ति लिखे उसे कहते हैं बायोग्राफी। तो यहाँ ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा, यानी गांधी जी ने खुद लिखा है खुद के बारे में। इस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इस किताब का हिंदी हुआ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। देखो ऑब्जेक्ट में आ सकता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक ऑटोबायोग्राफी कौन लिखा है, तो कह सकते हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी, तो आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। आगे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। कहता है कि इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किताब तो लिखवे की आत्मकथा लिखे ही, और साथ ही बहुत सारे न्यूमरस मतलब अनेकों, बहुतायत तो अनेकों आर्टिकल्स मतलब लेख लिखे अपने अंग इंडिया पत्रिका के लिए। देखो अंग इंडिया पत्रिका वो चलाते थे, मैगजीन था एक जिनका खुद चलाते थे, अंग इंडिया मैगजीन था वो खुद संचालन करते थे चलाते थे, उसके लिए ढेर सारे लेख लिखा करते थे वो। यही बोला गया है कि वो अंग इंडिया के लिए बहुत सारे ऐसे लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे। एंड द स्पीचेज और वो भाषण, देखो द स्पीच तो वो भाषण जिन्होंने वो दिया था है ना, दैट जो दिया था डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो भाषण उन्होंने विभिन्न प्रकार के अवसरों पर जो कई एक तरह के भाषण वो दिए थे है ना, सो रिवेल ही पर्दाफाश करता है, झलकाता है, यानी वे इनके पत्रिकाएं यंग इंडिया या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यह है एक ऑटोबायोग्राफी एवं कह सकते हैं बहुत सारे भाषण जो अलग अलग मौक़ों पर डिफरेंट ओकेजन में देते थे, वो मौका पर अलग अलग जो भाषण देते थे उन सही भाषणों से पता चलता है, रिवेल मतलब पता चलता है ना, रिवेल मतलब पता चलता है, पर्दाफाश करता है उनको, न केवल नॉट वनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, भाषणों से न केवल पता चलता है कि वे ओरिजिनल थिंकर थे, असली विचारक थे, बल्कि एक महान पवित्रता का महान पवित्रता गुरु भी थे, महान पवित्र गुरु भी थे वो, या न केवल ओरिजिनल थिंकर थे बल्कि एक पवित्र गुरु थे मेरे बच्चे। आगे है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट निम्नलिखित प्रसंग में, ये जो लाइन है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब प्रसंग होता है, और इन द फॉलोइंग लिखित में निम्न में नीचे में और नीचे जो पढ़ेंगे हम लोग, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी जो प्रसंग है भारतीय जो टॉपिक है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है ना, वो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं गांधी जी बोल रहे हैं। गांधी टॉक्स अबाउट, गांधी जी जिस टॉपिक में जो चर्चा की है यानी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाए हैं, क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या शो किए हैं, क्या क्या प्रदर्शन किए हैं, इसकी चर्चा है। तो मूल रूप से इसमें जो प्रदर्शन है मतलब एक संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जिसे हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर और हमारी सभ्यता इंडियन कल्चर, ये दोनों कल्चर का डिफरेंसेस शो किए हैं कि हमारे भारतीय सभ्यता और ये पश्चिमी सभ्यता, ये दोनों को अगर अंतर किया जाए तो अंतर करने का तो कोई सवाल नहीं उठता है, चूँकि दोनों बिल्कुल अलग है चूँकि अंतर उसी से होता है जिसमें कुछ समानांतर है। यहाँ इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि पश्चिमी सभ्यता हमारे सभ्यता के लिए एक कुठाराघात है, बेकार है, हमारी सभ्यता हमें मुबारक है और पश्चिमी सभ्यता पश्चिम वालों को मुबारक है मेरे बच्चे। इन्होंने यही प्रूव किया है, जैसे वर्ड टू वर्ड मैं टीच करता हूँ ना, देखिएगा करें गांधी टॉक्स अबाउट, यानी इस चैप्टर में गांधी जी बताते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता के जो ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, यानी भारतीय सभ्यता जो है उसकी जो ठोस कदम है,
ठोस नींव पड़ी है उसको बताते हैं और कहते हैं जो सफलतापूर्वक समय के अनुसार है ना, समय के तगादे के अनुसार वो सफलतापूर्वक अपना काम करते जा रहा है, ये चैप्टर यही बताता है। इन्होंने आगे बोला है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी। इन्होंने बोला है कि पश्चिमी सभ्यता जो भौतिकवाद सुख के लिए ध्यान में रखी जाती है, पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुख के लिए ही बनाया गया है और कैनॉट मैच, जिसे भारतीय सभ्यता से कभी तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुख के लिए है जबकि भारतीय सभ्यता में भौतिक सुख का कोई महत्व ही नहीं है, तो अंतर संभव ही नहीं है। दैट एलिवेट्स द मोरल बींग, भारतीय सभ्यता में एलिवेट, यहाँ एलिवेट शब्द आया है ई एल ई वी एल टी, मतलब बढ़ाना होता है ना, एलिवेट्स मीन्स क्या होता है बढ़ाना, तो कहते हैं मानव जाति को बढ़ावा देता है, मानव के बढ़ावा देता है हमारी सभ्यता, जबकि पश्चिमी सभ्यता में मानवता का कोई जगह नहीं है, केवल धन की पूजा होती है पश्चिमी सभ्यता में। आप लोग भी आप ध्यान देते होंगे मेरे बच्चे कि आज संपूर्ण विश्व धन के पीछे भाग रहा है, कोई भी इंसान धन के अलावा कुछ भी नहीं चाहता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ करके करोड़ों रुपया डॉक्टर में खर्च करता है और डॉक्टर बन जाता है तो वह उसमें मानवता मृत हो जाती है। मेरे बच्चे अगर हम सब इंसान ऐसा सोचे तो शायद देश और विनाश हो जाएगा, इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि मानवता पर ध्यान दिया जाए, धन पर नहीं, क्योंकि मानवता पर ध्यान देना ही हमारी सभ्यता है, यह गांधी जी का नारा था, न कि धन पर ध्यान देना। इसलिए इस चैप्टर में गांधी जी मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते हैं और आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अभी तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा स्टडी हुआ था, तो मेरे बच्चे ठीक अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा अगले ही टाइम, है ना, ठीक है, तो मैं बंद करता हूँ, है ना, ओके।